हाँ देखिए, बिग बॉस से निकलने के बाद एक पूरी बदली हुई दुनिया थी। जो लोग मुझे जानते थे वो तो जान ही गए थे, और जो पूरी दुनिया जो मुझे नहीं जानती थी वो मुझे बिग बॉस के बाद जानने लगी, और मुझे बहुत सारा प्यार मिला। महीने में मैं अगर 3 या 4 या 5 शोज़ करता था, उसके बाद में मैं महीने में 10 11 12 काम डबल हो गया, लोगों का प्यार बहुत हो गया, एंड पीपल आर लविंग मी लेफ्ट एंड सेंटर। हर जगह पे मुझे बुला रहे हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, आउट ऑफ इंडिया। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, लेकिन आई एम सो ग्लैड मैं बिग बॉस गया, और मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मुझे एंटरटेनर का टैग दिया आप लोगों ने, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। ये इश्क ये था। इश्क का सफ़र बहुत अच्छा था। बिग बॉस के बाद में मैंने सबसे पहला जो गाना किया, जिसमें फ्यूचर भी किया, हमारी हिंदुस्तान की जो अभी सुपर स्टार हैं सनी लियोनी, जो कि अपने बलबूते पर फिल्म को हिट कर देती हैं अपनी अदाओं से, अपने डांस से। तो मुझे मौका मिला उनके साथ में परफॉर्म करने का, और वीडियो शूट करने का, और उसमें गाने का, जिसमें उनके हस्बैंड डैनियल गिटार बजा रहे हैं और सनी डांस कर रही है और मैं गा रहा हूँ। हम लोगों ने हॉलीवुड में चार्ली चैपलिन के स्टूडियो में शूट किया, तो मतलब यू नो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और गाना लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और प्लीज़ पसंद करते रहें, और जितना आप मेरे गानों को पसंद करेंगे मैं उतना और गाता रहूँगा, और मेरे गाने आते रहेंगे, और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा जैसे करता आया हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। जब मैं पहले दिन सेट पे आया और हम लोगों ने शूटिंग स्टार्ट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि एक सुपरस्टार के साथ में आप यू नो हॉटेस्ट और गॉडेस जो भी बोलते हैं खूबसूरती में, और उनके साथ में आप डांस कर रहे हो, और यू नो यू डांसिंग विद हर, एंड यू नो बहुत अंदर से नर्वस था कि मैं कैसा दिखूँगा, हाउ वुड आई लुक, एंड मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पर रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं सेट पे आया, तो मुझे डैनियल ने और सनी ने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया। ड्रीम रोल क्या है कि एक्ट्रेस जो होते हैं वो एक सफ़ेद चादर की तरह होते हैं, उस पर किसी भी तरह का रंग आप मार दीजिए, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक। तो हर एक रोल जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, यू नो आप कह नहीं सकते मेरा ड्रीम रोल था या मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे मैं विन डीजल को बहुत फॉलो करता हूँ, तो कुछ एक्शन में मैं ट्राई करूँगा। मैं जिम कैरी को बहुत फॉलो करता हूँ, तो कॉमेडी में ट्राई करूँगा, यू नो। तो ये कुछ मेरे हीरोज़ हैं, तो मुझे करना है, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। और डिफरेंट जब भी आएगा, कोई अच्छी स्क्रिप्ट आ जाए, यू नो, और अच्छे मेकर्स आ जाएँ जो साथ में उसका खुलासा कर सकें, उसे अच्छे से ट्रीट कर सकें, आई मीन आई डोंट माइंड डूइंग इट। ये इश्क मेरा है दीवाना, ये तेरा है, तेरे प्यार में ओ जाने जा, मेरे दिल को ये क्या हुआ, कैसे मैं भूलूंगा, कैसे बताऊंगा, तेरी नजरों से मैं खुद को चुराऊंगा, तेरी अदाओं का जलवा दिखाऊंगा। इश्क मेरा है दीवाना, ये तेरा है, तेरे प्यार में ओ जाने जा, मेरे दिल को ये क्या हुआ। AQM, वॉच मी ऑन ये इश्क, अली कुली मिर्ज़ा, थैंक यू सो मच।